नमस्कार, मैं हूं श्री उठाने समय मौजूद है सिटी घाट पलवल का मीनार गेट है, काफी पुराना इलाका है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं बाजार का रास्ता जा रहा है, पूरा बाजार इस समय नजारा देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जूम करके भी दिखाएं किस प्रकार से बाजार का बुरा हाल कर रही है। अब तो बाजार में घुसने से भी ग्राहक डरते हैं। हाँ जी, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप क्या लेने आए यहाँ पर? मैं जी अपना सामान खरीदने आया था यहाँ पर यहाँ इतना रश है कि आसपास के लोगों ने काफी सामान घेर रखा है कि लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। अच्छा, वजह क्या है, इंक्रोचमेंट है क्यों? वजह यही है, एक दो दिन त्योहार के हैं, मेन वजह तो यही है। और तो गया, अब दिवाली गई? दिवाली तो गई, पर ये यहाँ का हाल सदैव यही रहेगा। क्या करते हो आप यहाँ पर? रिक्शा चलाते सर। अच्छा, रिक्शा चलाते, बाजार में इंक्रोचमेंट बहुत है? बाजार में भीड़ बहुत होती है। अच्छा, दिक्कत ज्यादा रहती है, परेशान रहते हैं। हाँ सर, चलिए कोई बात नहीं, आवाज आई बंद नहीं करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। कल क्या हो गया? जिनाजा जी भी है, अपने गुप्ता जी भी है। हाँ जी, प्रधान जी गोपाल। अच्छा, यहाँ की मार्केट के प्रधान जी हैं। बाजार में इंक्रोचमेंट बहुत है, डर लगता है घुसने में भी? डरने में तो घुस ऐसी बात तो ना है, बाकी यहाँ कुछ। अच्छा जी, डर रहे हो? नहीं, कुछ जो है का लोग अगर मेज लगा रखी है उससे जो है का एक्रोचमेंट हो रहा है, जो थोड़ा सा वोट नहीं चाहिए। नहीं, आपकी जो यूनियन है, बाजार का व्यापार संगठन है, उसका ये फर्ज होना चाहिए कि ग्राहक उस तक दुकान तक आसानी से पहुंचे, दुकानें ग्राहक के लिए। वो तो फर्ज है, लेकिन जब दुकानदार की दुकानदार ना माने तो वहाँ क्या जवाब है? वो तो बात पुलिस ही कर सके। इंतजाम तो प्रधान जी ने बाजार में सबसे कहा, हाथ जोड़ के कहा कि भाइयों, सबसे प्रार्थना है कि अपना सामान अपना दो फुट में लगा लो। जब तो लगा लेते सामने, फिर लगा लेते बाहर ही। अब प्रधान जी क्या करें, कितनी मर गए। रोजाना रोजाना ही चलता रहा प्रोग्राम, दो महीने तक बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन बाद में तो हाथ जोड़ जोड़ के पीछे करवाया सबको, अब कोई मानता ही नहीं, तो क्या करें बताओ। आपने खुद फोड़ लगवा, सब अब हार के लगवाया है ना भाई साहब, जो दुनिया मोटरसाइकिल हमारे यहाँ खड़ी करती है, फिर क्या करें, अब हार के तो दो दिन ही तो हुए हमें। अच्छा प्रधान जी, आपके विधायक दीपक मंगला के भाई, इस बात को कहते हैं पवन मंगला, उनकी शराफे की दुकान तक लगा रखे, ऐसा कहते हैं? देखो, ये जब और आगे लगा लेंगे तो लगाना पड़ेगा, हमें तो कोई बात नहीं है। जो बात है, जब क्लीन चीट है उसको तखत लगाने की, क्लीन चीट तो सबके लिए सबने लगा रखी है, सबने लगा रखी है। मैं आगे यहाँ बैठू, मैं इधर पीछे बैठू, भाग कैसे आएगा? तो खाली उन्होंने उसने तो मुझे लगा रखा है। देखो, ड्यूटी किसकी है, विधायक की ड्यूटी। सुनिए आप, हमने बाजार वालों से सबसे कंधार में ये बात ही नहीं, कोई मानता ही नहीं है। हम तो सब कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के सब पीछे करो, पीछे करो, सब पीछे करो, कोई मान के राजी नहीं है। साहब, आपका इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, आप सबसे पहले अगर कब्जा करते हैं तो दोषी तो आप भी। पहले नहीं, सबसे बाद में, सबसे पहले नहीं कह सकते आप, सबसे बाद में पूछो आप हमसे। आप बार बार कह रहे हो सबसे पहले, ये गलत कह रहे हो आप। आप अपने वर्ड पे आप पूरे कायम रहो, क्योंकि इस तरीके से आप बार बार हमसे कह रहे हो सबसे पहले, सबसे बाद में, हमसे आप बार बार कह रहे हो सबसे पहले, ये गलत कह रहे हो आप। आप अपने वर्ड पे आप पूरे कायम रहो, क्योंकि इस तरीके से आप बार बार हमसे कह रहे हो सबसे पहले, सबसे बाद में, हमसे आप बार बार कह रहे हो सबसे पहले, ये गलत कह रहे हो आप। अपने वर्ड पे आप पूरे कायम रहो, क्योंकि इस तरीके से आप बार बार हमसे कह रहे हो सबसे पहले, सबसे बाद में। भाई साहब, हम किसी और मार्केट में जाते हैं ना, वो छूटते ये कहते हैं कि जुनेजा क्या क्यों नहीं जाते, वहाँ कब जा हो रहा है, पवन मंगला क्या क्यों क्यों नहीं जाता। सर, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सुनो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंजेस्टेड ये जगह है, सामने 12-24 घंटे यहाँ पर ट्रक कार कुछ नहीं चलते, ट्रक कार बस सब चलती है, इधर को मोटरसाइकिल, इधर को मोटरसाइकिल, बीच में गाड़ी खड़ी है, देखो। हाँ, समझ गया सब, समझ गया। हाँ जी सर, हाँ जी, मेरी बात सुनो, आप पहले अपने आप को सुधारो ना, मेरी बात सुनो। नहीं, आपको क्या, नहीं बस चलती है, किसमें ट्रक चलता है, इसमें ट्रक चलेगा, जब दिक्कत आ गई है लोगों को, आप एक आम आदमी से पूछो कैसे जूझ रहा है वो। आम आदमी नहीं, 24 घंटे निकलते हैं यहाँ से, नहीं आप नहीं हटाओगे, ये बताओ ना आप, नहीं फिर क्या, कैसे आप लोग बताइए ना, अब आपको कितनी मंजिली मिलती है आपको, मंत्री सरकार से पूछे आप जवाब दो, कैसे जवाब दिलवाना है, कोई मायका लाल हाथ तो लगा, मंत्री आप कौन कहता है ये माल वाला, इसका मतलब मेरी बात तो सुनो, इसका मतलब आप भी मंत्री, रही भी ठहरो, प्रधान जी आप बोलो, आप जवाब दो, आप इनको आगे मत करो, आप जो, मैं तो आगे किसी को नहीं कर रहा इस बात के लिए, बाकी मैं कह रहा हूँ मीनार के घुसने का, यहाँ भी इतने वो खड़े रहते हैं,
आप मंत्री देते हो क्या हमें? हम मानते नहीं, आप नहीं हट पा रहे हो तो आप मंत्री दे रहे हो, समझ लो आपका कहने का मतलब ये है ना, ये नहीं हट रहे तो समझ लो मंत्री दे रहे हैं, आप नहीं हट रहे तो आप भी मंत्री दे रहे हो। आपके क्या रिश्तेदारी नहीं उठाते किसकी? हम तो आपसे भी कह रहे हैं, हमने सभी को कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं बाजार में। मेरी बात सुनो, देखो बात उससे करो मॉल वाले की, पहले उसकी हटवाओ, क्योंकि हम वहां से जब आते हैं ड्यूटी करके हमें पता कि विशाल मेगा मार्ट की भी लगाई थी उसकी, कह रहे हो ना? हाँ, सबसे पहले उन्हीं की लगाई, उसने पूरा आधा रोड घेर रखा है। अगर अतिक्रमण हटवाना है तो पूरे मार्केट सबके हटवाओ, सबके अकेले मार्केट का नहीं, सबको हटवाओ, क्लियर बात है। एक पहल करो की शुरुआत अपने आप से करो, बाद में जो बदल तो जाएगा वो ठीक है, जो ना बदले वो खिलाफ फिर मुहिम छेड़ो। हाँ जी, हाँ जी, ये आ जाओ भाई, आ जाओ, ये हमारे सामने युवा युवा है। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देव जी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट है विशाल मेगा मार्ट पर, सबसे पहले वो हटनी चाहिए, सबसे पहले उसके बाद हटवाओ जी। आधे रोड ये लगा लो, आधा रोड उसी ने घेर रखा है, उसको कम करवाओ पहले, उसके बाद। दीपक जी आप आइए, देव जी आपसे बात करके, दीपक जी ये बताइए कि आपने इंक्रोचमेंट हटाने के खिलाफ कई सालों से मुहिम चला रखी है, सफलता आज तक नहीं मिली है। देखो जी, सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत आई है, हमारे जो बाजार के अंदर जो हमारी एसोसिएशन है, हमने लोगों से बहुत बढ़िया प्यार से कोशिश करी, लेकिन हमारी यूनियन फेल हो गई। भाई हम पे कोई प्रधान जी पे लाठी तो है नहीं, प्रधान जी तो हाथ जोड़ के ही करा सकते हैं। उसके बाद हमने प्रशासन को एप्लीकेशन दी, हमने डीसी को दी, थाने के अंदर दी, और डीएमसी जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनके दफ्तर में दी, उसकी डायरी नंबर लिखी हुई एप्लीकेशन मेरे पास रखी है। लेकिन प्रशासन सोया पड़ा है, प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि इससे एक्सीडेंट भी होगा, कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है एनक्रोचमेंट से। अगर बाजार में आग लग गई तो दुकानदार भी आराम से नहीं निकल सकेगा। हमारे बाजार के पीछे रेजिडेंशियल एरिया है, अगर कोई इमरजेंसी किसी आदमी को, बनकी बुजुर्ग को, वो मर जाएगा, पार नहीं कर पाएगा मीनार गेट। ये शिकायत तो आपके जो पार्षद पति है बाकी की, ये शर्मा की, उनकी शिकायत। तीसरी बात, एनक्रोचमेंट का जो मसला है, बाजार वालों को समझनी चाहिए, जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, तुम दो दो चार चार करोड़ की दुकान लिए बैठे हो और तुम एनक्रोचमेंट चक्कर में तुमने बाजार को फेल कर रहे हो। अगर बाजार में ग्राहक को तुम रास्ता ही नहीं दोगे ढंग से घुसने के लिए, भविष्य के अंदर बाजार ही बाहर चला जाएगा। आज ये खुश हो रहे हो, आज ये एग्जाम्पल दे रहे हो कि फलाने का ये, फलाने का ये। अगर हमें अपना बाजार बचाना है, जो मीनार गेट से हमारा मेन बाजार की एंट्रेंस है, हमें एनक्रोचमेंट खत्म करानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा इसका कारण सरकार फेल है, अफसर काम करके राजी नहीं, पिछले एक महीने से नालियों की सफाई नहीं हुई है। अभी आपने नालियों की गंदगी देखी होगी, कितना बुरा हाल है। ये तो पहले हर संडे को नाली निकलती थी और पूरे सफाई कर्मचारी बाजार में आते थे और पूरी नालियों की सफाई कर जाते थे। अश्विनी पहल आपको करनी चाहिए, कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब की बात से, मैं सहमत हूँ, जो ये कह रहे हैं सारी बात ठीक है। जो ये लाइन पट्टी करवाई है बहुत अच्छी करवाई है, उसी के तहत कमेटी कार्रवाई करे तो ही काम चलेगा, बढ़िया रहेगा। वो तो पीली पट्टी के तो ऑब्जेक्शन आ गया। नहीं, पीली पट्टी हो रही है ना, ऑब्जेक्शन आ गया उसका, आप कमेटी को भेजो यहाँ पे। नहीं, उनका ये ऑब्जेक्शन आ गया, दुकानदारों का ऑब्जेक्शन था, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये ज्यादा कम भी लग रही, बताओ। नहीं नहीं, ज्यादा है, इसको मरने वाली लाइन में 3 फुट के बाद है, और हमारे यहाँ 1 फुट भी नहीं है, आधा फुट 6 इंच के बाद हमारी पीली पट्टी छूट हो जाती है, और सामने वाली लाइन के जो है ना, वहाँ 3 फुट के बाद पीली पट्टी है। अच्छा, ये जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है वो आपका शटर है ना, कि पट्टी वट्टी का चक्कर नहीं। पीली पट्टी का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये शटर अफसरों की बेवकूफी है। हमारी दुकान की रजिस्ट्री हमारे हाथ में रखी है, जहां हमने शटर लगा रखा है, उसके बाद नाली भी सरकारी है, नाली पे भी हम कब्जा नहीं कर सकते, वो भी अवैध है हमारा, सीधे सी बात है। पट्टी का तो कोई मैटर नहीं बनता इसमें, पट्टी गलत है ये, पट्टी का कोई लॉजिक नहीं बनता इसमें। अकेले मीनार गेट पे नहीं है, इस रोड पे भी निकल जाओ आप भाई साहब, 5-5 मिनट 10-10 मिनट खड़े रहते हैं, जीटी रोड जो भी, यहाँ जीटी रोड पूरी के सामने आप कार्रवाई कर रहे हो, सब जगह करो, हम ये नहीं कह रहे अकेले मीनार गेट में करो, सब जगह करो। देव जी आप हमारा चैनल देखते हो? आप चैनल हमारा सब जगह का है, देखता हूँ जी, देखता हूँ। ये बात कही कि हमें एक ही जगह है, हम जनरेजा के पास नहीं आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। किसी का नाम पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, मैं अपना रोड का नाम ले रहा हूँ। सुमित जी आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो शॉप पे ही हैं, बाकी मैं आया हूँ, देखा हूँ भीड़ लग रही है, आप आए इंटरव्यू लेने। इस बाजार को, इस बाजार के लोग ही खत्म करेंगे, क्योंकि आगे ताकत दे के क्या माल डिस्प्ले करके ज्यादा बिक सकता है, अंदर दुकानों में नहीं बिक सकता। इन्होंने इस बाजार को पटरी बाजार बना दिया, और सब ये प्रशासन की और शासन की, मुझे जो लगता है ये कमी है, लापरवाही है उनकी,
क्योंकि अगर शासन मजबूत होगा ना तो ही प्रशासन काम करेगा, अगर शासन लचर है ना तो प्रशासन काम नहीं करता। लालच क्या कर रहे हो आप? अच्छा लालच को बुलडोजर चलवा दो मीनार गेट पे। रवि जी क्या कहेंगे आप इंक्रोचमेंट को लेकर? भाई साहब बहुत बड़ी मुहिम चली थी इंक्रोचमेंट की हमारी, आप सब लोगों ने देखा था 3 साल पहले, डीसी थे, ऊर्जावान थे, अभी ऐसे थोड़ी बात होती है, लोग शोर मचा रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कितने टॉप पे पहुंच गई, जो एक भी चीज नहीं बेचती, स्नैपडील कहां पहुंच गई, तो ये इन लोगों को ही नुकसान है, आम आदमी का नहीं। बड़े लोग तो शॉपिंग मॉल का तरफ मुंह कर लिया, यहाँ भी लोग वहां आना कम ही कर रहे हैं दिन पे दिन, तो अतिक्रमण का बहुत बड़ा नुकसान है लोगों के साथ, तो बहुत बड़ा है। हाँ जी जुड़े साहब, अतिक्रमण से बहुत लोगों का नुकसान है, खुद दुकानदारों का नुकसान है, बाकी जी आप भी क्या कहेंगे? ये अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, और इसमें जो है इस तरीके से साफ होना चाहिए, इसमें इतनी सख्ती होनी चाहिए जिसको दुकानदार भी समझ जाएगा कि भाई ये वास्तव में गलत है, पर कोई कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए। ये कोई कार्रवाई हो नहीं रही जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है, और उसमें सभी शामिल है। कार्रवाई तो कुछ भी ना हो रही है, पुलिस वाले खड़े रहे कैसे, एक बार हटने के लिए यहाँ पूरे तो यहाँ खड़ी रहे, वो क्या नाम है, कस्टमर अंदर आ नहीं पाता। पुलिस वाले भी बरादरी देख के आजकल वो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं पुलिस वाले भी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ लड़ाई हुई है, एक गुजर था उसने आके यहाँ हाथापाई करी है चौपड़ा के यहाँ पे, ठीक है, वो भी गुजर निकला तो उसने कही रहे एक काम कर बहू की छेड़छाड़ के केस लगवाते है, यहाँ जो पुलिस वाला खड़ा होता है कहो तो उसके मुंह पे कह दूं, कहो तो उसके मुंह पे कह दूं, कहो तो उसके मुंह पे कह दूं, कोई डर नहीं किसी चीज का। मेरी बरादरी बात क्यों आ रहा है इस चीज में? पुलिस वाला तेरा काम है, तेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है उसके लिए। उसने ये बात क्या कि गुजर है तो इसका केस लगवा दे लेडीज का। अभी आप खड़े हो देखो यहाँ, अभी ई रिक्शा खड़े हैं, अभी खड़े हैं, आपके होते हुए भी खड़े हैं, देखो आपके होते हुए तो खड़ा नहीं होना चाहिए। खुदा तो है नहीं भाई साहब, देखो खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं हो आप, पहल कर रहे हो तो आप खुदा ही हो इस टाइम, आप पहल कर रहे हो चीज को लेकर। रिक्शा ऐसा परमानेंट नहीं है, रिक्शा तो भगाओगे भाग जाएगा वो, कह के आप जान दो भाग तो मेरी बात आएगा। देखो परमानेंट सोल्यूशन देखो ना, रिक्शा परमानेंट नहीं है यहाँ पे, ये तो है खड़ा है, ये भगाओ चला जाएगा। बाकी जी ये दुकानदार आपसे ये कह रहे हैं कि वहाँ का हटवाओ, वहाँ का हटवाओ, यहाँ क्यों आगे, बाजार में क्यों आगे, आप बाजार में क्यों फोकस कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, हम बाजार में इसलिए कर रहे हैं, हम हमारे हमने हमारे वार्डवासी भी, हम मेरा वार्ड भी यही है, हमारे हम परिस्थिति यहाँ की देख रहे हैं, जो हम डेली हमारा आना जाना, मैं यहाँ से, और मैं अपने वार्ड की नहीं कह रहा, मुझे शहर का एक आदमी बता दो जो बाजार में इसका आना जाना ना हो, मुझे आप बता दीजिए आपका किसी का। हाँ बताओ, ये बाजार में परिवार भी पीछे, परिवार भी बहुत रहते हैं, बहुत से परिवार रहते हैं, अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो उनके लिए तो मरने जैसा हालत हो जाएगी, और इस तरीके से ये बाजार में जो एनक्रोचमेंट है हटनी चाहिए, मरने जैसी हालत हो जाएगी। ऐसा कभी वाक्य कभी हुआ? हुआ जी, कई बार हुआ जी, अभी हमने देखा था, अभी 10 से 15 दिन पहले हमारे भाई साहब एक्सपायर हो गए थे, हमें बताया जी हमें अर्थियों को ले जाने में कितनी दिक्कत हुई थी यहाँ पे। आओ मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं, क्यों हादसा हुआ? वो 70 साल की उम्र है मेरी, सामने मेरी दुकान है, मैंने आज तक तो कोई हादसा देखा नहीं, कोई हुआ सामने लाके खड़ेंगे जब मानोगे आप, कैसे मानोगे आप बताओ ना मुझे? नहीं ये चीज आप मानते हो, आपने बाजार घेर रखा है, नहीं अपनी गलती को स्वीकार हो लाला जी, देखो ये बात मतलब ये बात मानते हो? एक बात बताओ भाई, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है बाजार में? नहीं हो रहा, वो कह रहे कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, आ सकती है यहाँ पे? कौन निकलती है एम्बुलेंस? एम्बुलेंस अभी नहीं निकली है, कितनी देर में निकली? नहीं निकल तो जाएगी एक सेकंड में कब तक निकली आप बताओ? उस दिन आप थे जिस दिन हमारे पप्पन भाई साहब के, हमारे अंकल जी एक्सपायर हुए थे, आपने देखी थी? नहीं आप दुकान पे? मैं अर्थी में भी गया था, कोई बात है ना, आप बोल रहे हो, मैं गया था। आपको इस पर दुख भी प्रकट करना चाहिए, मेरा यार है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, वो इनको दुख नहीं है, उनसे ज्यादा मुझे दुख है। अच्छा जी, ये भैया तो अगर दुख है ना तो इंक्रोचमेंट पूरे बाजार में हटनी चाहिए। वो उनसे बढ़िया आदमी था, इतना बढ़िया पप्पू नेहरू का लड़का, इतना बढ़िया आदमी था, इनके मोहल्ले में एक नहीं मिलेगा इतना बढ़िया आदमी। प्रधान जी, पूरे बाजार में जीटी रोड पर विशाल मेगा मार्ट से शुरुआत करवा देते हैं, इंक्रोचमेंट हटवाते हैं, अभियान चलाते हैं, आप कितना सहयोग करोगे बाजार से? जितना होगा हम अभी सबसे पहले भी पूरा किया था हटवाने के लिए, अभी उन्होंने ये भी कहा था त्यौहार के बाद हटा देंगे, दिवाली पीट गई, पूरा सूर्य ग्रहण भी लग गया। ये तो बात ठीक है, बाजार में सूर्य ग्रहण है कि हमारे में स्पेशल, मैं कह रहा हूँ हमारे बाजार के लिए सूर्य ग्रहण है, मैं बताऊँ वो तो आज है, सूर्य ग्रहण कल खत्म हो जाएगा, पर ये परमानेंट सूर्य ग्रहण है, मैं बताऊँ परमानेंट सूर्य ग्रहण। लवली जी आप तो बड़ा बोलते, आप तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ बहुत बोलते थे, खुद कब्जा कर लिया आपने?
क्या करें जी, अब हम अपनी दुकान के आगे नहीं बैठाएंगे तो मोटरसाइकिल स्कूटर खड़ी होती है दुकानों के आगे, पार्किंग का स्थल बन जाता है हमारी दुकान, किससे मना करें, हम सब आपसदारी के आदमी। तो ऐसे तो समस्या हल नहीं होगी ना, लोग तो ग्राहक तो दुखी है, ग्राहक तो दुखी है, पूरा अगल बगल भी तो देखो, मैंने तो सबसे लास्ट में लगाया है जी, अतिश गर्मण जो करा सबसे लास्ट में करा मैंने, पड़ोसी पड़ोसी इतने निकम्मे, मैं पड़ोसी की वजह से दुखी हूँ। अच्छा चलान कितना होना चाहिए? कम से कम 21,000 रुपए। आपका करवा दे 21,000 का? मेरा करवा दो, बिल्कुल भरूंगा मैं, और बोलो, क्योंकि 500 रुपए और 1,000 रुपए 2,000 रुपए अहमियत देने से तो मूछों की बात है, पकड़ अपने जा साइड हो। दीपक जी 21,000 का चलान होना चाहिए कम से कम, ऑनलाइन होना चाहिए वो भी। देखो जी इस बारे में तो हम जो नगर परिषद के कानून है उसके हिसाब से ही चलान होता है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो दुकानदारों ने अपने बाहर जो किराएदार की मेज लगा रखी है, कि किराएदार बिठा रखे हैं दुकानों के आगे, उन दुकानों का चलान हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक कानून है हरियाणा का, जब हम जिले से बाहर के अपने जिले से बाहर का कोई एम्प्लाई रखे या हम मकान या दुकान पे किराएदार रखे हम उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, तो दुकानदार ने एक कानून तो ये तोड़ रखा है, जिसने भी किराएदार बिठा रखे पुलिस वेरिफिकेशन करे उसकी सख्ती से कार्रवाई करे, दुकानदार जिसने किराएदार आगे बिठा रखे। आपकी भी शॉप है? नहीं हमारी तो इधर है जी, बाजारों में नहीं, बाजारों में कहाँ पर? मेगा मार्ट में भीड़ बहुत रहती है जी, जाम रहता है पूरे दिन जाम रहता है। हाँ जी, हाँ जी, विशाल मेगा मार्ट के यहाँ भीड़ रहती है, ज्यादा भीड़ जाम रहता है जी, पूरे दिन परेशान रहते हैं। आप धरने पे बैठ जाओ जी, हम तो सबके साथ मार्केट के साथ हैं, जैसा मार्केट के साथ हम मार्केट के साथ, हम अलग नहीं है, साथ है मार्केट। किसी की दुकान है आपकी? हमारी साड़ी सूट की दुकान है मीनार गेट पे। अच्छा, क्या किराया उसका? अजी किराए की बात नहीं है वो, तो किराया निकल रहा है? नहीं वो किराए की बात, किराया निकल रहा है? नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा जी, जेब से जा रहा है जी, बिल्कुल इंक्रोचमेंट की वजह से किराया निकल रहा। आएंगे आपके पास, जाएंगे विशाल मेगा मार्ट के पास भी आएंगे विशाल मेगा। और कौन बोलना चाहेगा भाई, कोई कस्टमर है आप लोगों के बीच में? भाई साहब ये रहे। नहीं अब हम थोड़ा आगे चलना चाहेंगे, आगे दिखाना चाहेंगे कि आप लोगों ने कहाँ इंक्रोचमेंट कर रखा है। सर एक मिनट, हाँ जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? आने जा, मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार ये कौन सा इलाका है? ये खैलकोट खैलकोट। क्या समस्या आपकी? ये समस्या है कि जितने व्यापारी भाई हैं इनकी दुकान यहाँ पर है और बाइकों के यहाँ पर खड़ी करते हैं सारे बंदे, और इनके कहने जाते हैं लड़ने को तैयार होते हैं बिल्कुल, ये सारे दुकान वाले यहाँ से। इंक्रोचमेंट करने वाले से दुखी हो आप? बहुत ज्यादा, और कई बार चोट भी लग चुकी है पैरों में हमारे, आपको दिखाते हैं आप गली में देखो कितने बाइक। दुकानदार फिर कहाँ खड़ी करे अगर बाइक खड़ी करना करे? कोई पार्किंग बनी हुई, पार्किंग में खड़ी करो अपनी, अपनी पार्किंग में खड़ी करो, जब इनके आगे दुकानदार कोई कस्टमर लगाता है उनको तो लड़ते हैं ये, मतलब अपने आगे तो लगने चाहते और यहाँ पे लगाना चाहते हैं ये, हमारे गली में छोटे छोटे बच्चे कई बार गिर चुका गली से, आवाज पहुंचा देंगे आगे। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस है, मेरी दुकान है साड़ी सूट की। जी क्या समस्या आपकी? हमें ये समस्या है, मेगा मार्ट के सामने बहुत जाम लगा रहता है, ये बाइकें भी खड़ी रहे, इनको पार्किंग में लगवा दें रास्ता खुला हो जाएगा। अच्छा, फिर परेशानी हटेगी। अब जो ग्राहक आता है सामान कहीं से लेता है, बाइक कहीं लगाता है, एक मिनट महाराज जी, दो दो तीन तीन घंटे हो जाए, बाकी लड़ेंगे तुम्हारी बाप की है गई, रोड है ये, सड़क है ये, ऐसा हाल हो जाए। तो जो विशाल मेगा मार्ट है उनको कहते हो आप? उनको कुछ नहीं हम कहते, हम क्या कहें उनको, हमारे तो जो खड़ी करें उन्हें कहें, वो कहें भाई ये रोड है तुम्हारा क्या है इसमें, खड़ी करें एक मिनट में आएगी और दो दो चार चार घंटे में जब आवानी करें। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इसको लिंक को शेयर भी कर दीजिए। बहुत गहरी समस्या है, आप पीछे में देख भी सकते हैं, इंक्रोचमेंट के चलते बुरा हाल है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है बाजार के दुकानदारों की, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक इंक्रोचमेंट करता तो दूसरी भी कर देता है, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरे का चौथा दुकानदार कर देता है। दुकानदारों का इंक्रोचमेंट का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। लाला जी ये खोपड़े सजा रखे नारियल के, ये किसके लिए है? ये जो भाई रोज का त्यौहार आ रहा है ना, ये उसके लिए सजी हुई है, और हर साल के पास होता है, ये बहनों का बहन भाई का त्यौहार है, उसके लिए नारियल देना पड़ता है, गोला देना पड़ता है, उसके लिए सजाया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है, पूरा बाजार इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है? हम इंक्रोचमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, 100% खिलाफ है, लेकिन देखा देखी जो हो रहा है काम, अब थोड़ा बहुत त्यौहार पर सामान लगाना पड़ता है, वो ये है बात, अब दो दिन की बात और है, अपना लाइन में आ जाएगा भैया, दो दिन के बाद इसका उपयोग नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी। और इसमें तो अगर पुलिस प्रशासन साथ देगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग आ गए आपसी भाईचारे की बात नहीं मानते हैं, ये पुलिस प्रशासन की ही बात मानेंगे। अच्छा, जैसे आप लोग व्यापारी ये कहते हैं कि प्रशासन का डंडा चलेगा तो मानेंगे? 100% मैं आपको राइट बात बता रहा हूँ, कि आपस में भाईचारे में व्यापारी कह नहीं मानते लोग, कुछ लोग ऐसे हैं
बिल्कुल भी नहीं मानती। क्या नाम है लाला जी आपका? मेरा नाम हरी किशन गोयल। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं या साइड में देख रहे हैं, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। आज तो त्योहार की वजह से ग्राहक कम हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि बाजार में आदमी को टकराते हुए निकलना पड़ रहा है। बाजार में इंक्रोचमेंट कैसे खत्म हो, इसका कोई सोल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा है। दुकानदारों का ये कहना है पड़ोसी दुकानदार कब्जा करता है तो उसका देखी देखी मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक बाइक भी उनके यहाँ खरीद करते हैं। मेन बाजार से सतीश भुटाई, मेरा आपसे अनुरोध है इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिएगा। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।